प्रखंड में जनवरी वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों के काफी शिकायत करने के बावजूद भी हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। हाल में ही पचौर गांव के जबलपुर के डीलर रामचंद्र सिंह तथा झोतर गांव के माया महिला समूह के डीलर माया महमूला बीबी के दुकान पर भारी अनियमितता को लेकर कार्डधारियों ने जोरदार हंगामा किया था। अभी तक ये मामला सुलझा भी नहीं था कि एक और मामला डंडई के डीलर राम गुलाम साव के द्वारा राशन नहीं देने की शिकायत को लेकर डंडई उप प्रमुख आनंद प्रकाश को आवेदन मिला है। आवेदक बारियागमल निवासी तैयब मियां ने बताया कि डंडई के डीलर राम गुलाम साव के द्वारा उसे 2 माह का राशन नहीं दिया गया। जब वह राशन लेने गया तो उनके द्वारा तथा उनके लड़का के द्वारा उससे अभद्र व्यवहार करते हुए डांट फटकार लगाकर भगा दिया गया। साथ ही बोला कि जहां जाना हो वहां जाओ, राशन नहीं मिलेगा। वही दूसरा आवेदन में बैरियादमर के ग्रामीणों ने शिकायत किया है कि राम गुलाम शाह के द्वारा बोला जा रहा है कि हमें 20% राशन कम मिला है, इसीलिए हम मात्र 45 लोगों को ही राशन देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे। आवेदक रेहाना परवीन, शकूर अंसारी, नूर मोहम्मद, इमरान अमरेले आदि ने उप प्रमुख को आवेदन देकर नियमित राशन दिलाने की मांग की है। बताते चले कि 18 जून में भी इसी तरह से बैरियादमर डीलर सफीक अंसारी के खिलाफ शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध जांच भी किया गया था और जांचोपरांत उक्त डीलर दोषी भी पाया गया था, जिस पर उसका जनवरी वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा करके जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा कांग्रेस से भी किया गया था। इसके बावजूद भी डीलर का अनुज्ञप्ति रद्द नहीं किया गया और अभी तक वो राशन वितरण केंद्र चल ही रहा है। अगर गहनता पूर्वक जनवरी वितरण प्रणाली केंद्रों का जांच किया जाए तो शायद ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही अनियमितता का उजागर होगा। यह आवेदन मेरे पास प्राप्त हुआ था, हमने उस आवेदन को एमओ के पास फॉरवर्ड कर दिया और राम गुलाम साहब के विरुद्ध इससे पूर्व में भी हमारे पास आवेदन मिल चुका है। ये उसमें उस समय इन्होंने 45 आदमी का राशन 20% राशन कम मिलने का हवाला देते हुए 45 व्यक्तियों का राशन नहीं दिए और जिसमें वह आवेदन में दोनों वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 3 दोनों अपना हस्ताक्षरयुक्त आवेदन जनता के साथ फॉरवर्ड किया था हमारे पास। हमने इसका जांच के लिए एमओ डंडई तत्कालीन बलराम सिंह शर्मा को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुआ मेरे द्वारा पूछे जाने पर कोई भी संतुष्टिजनक जवाब एमओ द्वारा नहीं मिलता है। पचौर की घटना में हम गए हुए थे, वहां पर 3 महीना 4 महीना 6 महीना तक का राशन जनवितरण दुकानदार नहीं दिए हुए थे, जिसमें पूर्व का बकाया उनके पास जो राशन था वो देने के बाद लगभग 50 से 60 क्विंटल का राशन गमन का उनके ऊपर आरोप सिद्ध पाया गया है जांच उपरांत, और अभी तक उनके विरुद्ध भी क्या कार्रवाई हुआ एमओ के द्वारा हमको संतुष्टिजनक कोई जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।